और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया और इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विस्तार से जानकारी दी। पैकेज में लघु कुटीर उद्योगों पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि कुटीर लघु उद्योगों के लिए 6 बड़े कदम उठाए जाएंगे। संकट में फंसे हुए एमएसएमई सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही 200 करोड़ तक की खरीद एमएसएमई से की जाएगी। वहीं कामगारों को राहत देते हुए 15,000 तक की सैलरी वाले कर्मचारियों को सरकारी मदद का ऐलान किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत मिलेगी। रियल एस्टेट के मामले में सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए मार्च से आगे 6 महीने तक की मोहलत दी जाएगी। बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो 20 बड़ी बातें आपको बताते हैं। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का इंतजाम किया गया है और एमएसएमई को 4 साल के लिए कर्ज भी देंगे। 45 लाख एमएसएमई यूनिट्स को इसका बड़ा फायदा होगा। आपको ये बता रहे हैं किस तरीके से आवंटन हुआ है। ये संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ की मदद की गई है और इनके विस्तार के लिए 50,000 करोड़ की मदद भी दी गई है ताकि एमएसएमई सेक्टर विस्तार कर पाए और 45 दिन में एमएसएमई का सरकारी भुगतान होगा, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। ईपीएफ में 2500 करोड़ की सहायता देने की बात कही गई है। 15,000 से कम सैलरी वाले जो लोग हैं उनका 24% जो पीएफ है वो सरकार वहन करेगी और ईपीएफ की सहायता से 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा जो इसकी श्रेणी में आते हैं। 200 करोड़ तक का सरकारी टेंडर ग्लोबल नहीं होगा, ये एक सुविधा। 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडर एमएसएमई से ही कराए जाएंगे, ये इनका फायदा मिलेगा। और एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ की गारंटी भी दी गई है। एनबीएफसी के लिए अब 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी की योजना सुनिश्चित की गई है। बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ की नकदी भी दी जाएगी उनको मदद करने के लिए और रेरा के तहत जो प्रोजेक्ट्स पूरा करने होने हैं उनको 6 महीने का वक्त भी दिया गया है। 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत दी गई है। तो टीडीएस कटौती में राहत से जनता को 50,000 करोड़ का फायदा हो सकता है, ये उम्मीद है। और 2019-20 के लिए 30 नवंबर तक अब आईटीआर फाइल किए जा सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर भी कर दी गई है। There are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores or 100 crores whose turnover is will benefit from this. These loans will have a 4-year tenor and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी, तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं, ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाए जो है प्रोविडेंट फंड जो है वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12-12% भारत सरकार देगी और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है।